नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी तक तब्बू ने बेहतरीन काम किया है। चाहे घरेलू महिला की भूमिका हो या पुलिस वाली की, तब्बू हर किरदार में जान डाल देती है। हालांकि तब्बू अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती है। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, लेकिन एक्ट्रेस अपने नाम के आगे हाशमी नहीं लगाती। एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह 3 साल की थी तब उनके पिता और माता में तलाक हो गया था। तब्बू की मां ने अपने बच्चों की सिंगल मदर के तौर पर परवरिश की थी। तब्बू को कभी भी पार्टियों में नहीं देखा जाता क्योंकि वो अपना काम करती है और घर वापस चली जाती है। उनका जन्म 4 नवंबर 1971 को जमाल अली हाशमी और रिजवाना के घर पे हुआ था। बीते वर्षों में तब्बू को चांदनी बार, लाइफ ऑफ पाई, मकबूल और हैदर जैसी अच्छी फिल्मों में देखा गया था। आपको बता दें, तब्बू 52 साल की हैं और अभी भी सिंगल हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तब्बू कभी भी अपनी लव लाइफ को लेकर के खुलकर बात नहीं करती, लेकिन आपको बता दें, एक्ट्रेस का नाम कई बड़े सेलेब्स के साथ जुड़ चुका है। तब्बू हमेशा अजय देवगन को अपना सिंगल रहने का दोष देती है क्योंकि बचपन से दोनों साथ रहे और अजय देवगन ने इनका कोई दोस्त बनने नहीं। तब्बू केवल 10 साल की थी जब उन्होंने बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। बाद में जब वो 14 साल की हो गई तो उन्होंने देवानंद की फिल्म हम नौजवान में फिर से काम किया और उनकी बेटी का रोल प्ले किया। उनका पहला बड़ा ब्रेक तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 में था। 1994 में तब्बू और अजय देवगन की फिल्म विजय पथ उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए तब्बू ने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी जीता था। 1996 में तब्बू ने जीत साजन चले ससुराल जैसी हिट फिल्में दी थी। फिल्म चीनी कम में तब्बू एक नॉनवेज लवर बनी जिन्हें चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी, लेकिन असल जिंदगी में वो शुद्ध शाकाहारी हैं। हालांकि तब्बू की माँ बढ़िया बिरयानी बनाती है, लेकिन वे शाकाहारी रहना ही पसंद करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।